हम बात कर रहे हैं रमा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल हम देख सकते हैं स्टॉक पर सेलिंग प्रेशर ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। गिरावट के साथ स्टॉक 12.72 रुपये पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जंप आया था स्टॉक में, हमने डिस्कस किया था इस हाई के ने 15 रुपये के लेवल को, ब्रेकआउट को। अगर 15 रुपये का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर अपसाइड में अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन देख सकते हो चार्ट पैटर्न पर स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया। 14.40 रुपये 14.50 रुपये की लेवल से रिजेक्शन लिया और लगातार सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। तो नीचे की ओर इससे पहले जहां सपोर्ट लिया था 12 रुपये का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट बनने वाला है रमा स्टील के लिए, और इसी सपोर्ट पर स्टॉक को सस्टेन होना पड़ेगा इसी सपोर्ट के ऊपर। अगर 12 रुपीज़ के सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, इसके ऊपर ही सस्टेन होता है, इसी के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अगर इस लो को यानी 12 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर आप देख सकते हो इससे पहले कहाँ सपोर्ट लिया था 10 रुपये के लेवल पर, तो यहाँ तक का फॉल फिर स्टॉक दिखा सकता है। तो अब स्टॉक में अगर यहाँ से 12 रुपये के लेवल से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट टारगेट 14 रुपये, नेक्स्ट टारगेट 15 रुपये का लेवल, और 15 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है रमा स्टील को। अगर 15 रुपये का लेवल ब्रेकआउट करता है रमा स्टील और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बनता नज़र आ रहा है। देख सकते हैं जब से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया उसके बाद से लगातार गिरावट में, एक जंप आया था लेकिन ये फेक जंप था, यहाँ ट्रैप किया गया हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों को इस जंप दिखाकर, और अगेन वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म्स में अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।